उठ गए? तुम्हें क्या लगता है मैं अभी तक सोया हुआ हूँ? नहीं नहीं, उठे हुए लग रहे हो। अभी चाय बनाती, बस ये खबर पढ़ लूँ। क्या खबर है? तुमने ये खबर देखी है? खबर, लॉटरी लग गई है। लॉटरी दूर से दिखाई तो दे रही है, एक भिखारी को लॉटरी लग गई है। इसमें इतना खुश होने की क्या जरूरत है? लॉटरी भी तो सिर्फ भिखारियों को, रिक्शे वालों को और कबाड़ियों को ही लगती है। हाँ, हमसे अच्छा तो ये भिखारी निकला। 1 करोड़ मिलेंगे, 1 करोड़। इसका मतलब ये है कि भिखारी भी करोड़पति हो सकते हैं। पति? कहीं उस भिखारी को अपना पति बनाने की तो नहीं सोच रही? ओह माय गॉड, इसकी तो बीवी भी है। कितनी लकी है, कितनी लकी है। काश काश हम भी भिखारी होते। शादीशुदा या गैर शादीशुदा? मतलब? अरे मतलब ये कि अपने देश में ऐसे शादीशुदा कंगाल करोड़पति भिखारियों की कमी नहीं है। अरे कई लोग तो बाकायदा घर बसा के बैठे हुए हैं। Oh darling, sweetheart, my love, my baby, get up, please उठो ना, उठो ना, उठो ना। सत्तू, इतना अच्छा सपना देख रही थी मैं और तुमने मुझे जगा दिया। हांगकांग के एक इम्पोर्टेड दुकान के एक इम्पोर्टेड मालिक से मैं इम्पोर्टेड साड़ियाँ पैक करा रही थी और तुम्हारी वजह से सारे पैकेज वहीं छोड़ आई। वो एड्रेस तो ले लिया ना? हाँ। कोई बात नहीं, फ्री होम डिलीवरी हो जाएगी। फ्री? हाँ स्वीटहार्ट, अब तो तुम्हारी डिलीवरी लंदन, पेरिस, हांगकांग ही हुआ करेगी। मेरी डिलीवरी इतनी जगह? ओह मेरा मतलब साड़ियों से था। जानेवान, हमारी लॉटरी लगने वाली है। लॉटरी? हाँ, देखो अखबार में खबर छपी है कि मशहूर प्रोड्यूसर झुनझुनवाला अपनी फिल्म 100 साल बाद बनाने वाला है। 100 साल बाद? डार्लिंग, 100 साल बाद फिल्म का नाम है। ओह अच्छा, 100 साल बाद फिल्म का नाम है। और उसके लिए उसे एक हीरो की तलाश है, यानी कि मेरी तलाश है। 100 साल बाद का हीरो 100 साल पहले? कहीं आत्माओं की फिल्म तो नहीं है? मुझे तो हॉरर फिल्म से बहुत डर लगता है। अरे नहीं डार्लिंग, माय स्वीटहार्ट, ये आत्माओं का चक्कर नहीं है, इसे हीरो की तलाश है, इसलिए एक टैलेंट कॉन्टेस्ट रखना है। टैलेंट कॉन्टेस्ट? अच्छा अच्छा, वैसे ही ना जैसे धर्मेंद्र ने ऑर्गेनाइज किया था जिसमें सनी देओल और बॉबी देओल सिलेक्ट हुए थे। धर्मेंद्र ने नहीं, अमिताभ बच्चन ने। अमिताभ बच्चन ने? हाँ हाँ, अमिताभ बच्चन ने, जिसमें अभिषेक बच्चन सिलेक्ट हुआ था। अभिषेक नहीं, चंद्रचूर सिंह। चंद्रचूर सिंह? चंद्रचूर सिंह? चंद्रचूर सिंह वही तो, राजेश खन्ना का बेटा। चंद्रचूर सिंह राजेश खन्ना का बेटा नहीं है, वो किसी का बेटा नहीं है। तो फिर वो आया कहाँ से? वो फ्रेश है यार, जैसे मैं फ्रेश आ रहा हूँ ना, वैसे ही। तो तुम भी किसी के बेटे नहीं हो? मेरी माँ, मेरी जान, तो वो सब छोड़, मुझे 500 रुपए की जरूरत है। वो प्रोड्यूसर है ना झुनझुनवाला, उसने एप्लीकेशन फीस मंगाई है। लेकिन इतने बड़े प्रोड्यूसर को तुमसे 500 रुपए मांगने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या है कि इन पैसों से शो ऑर्गेनाइज करेगा और जो ढेर सारे पैसे बच जाएंगे वो देश की सेवा में लगा देगा। अच्छा, वैसे ही जैसे अमिताभ बच्चन ने लगाए थे। अमिताभ बच्चन ने अपने पैसे से क्या किए मेरे को नहीं मालूम। मालूम है? नहीं। तेरे को मालूम है? नहीं। किसी को मालूम है? नहीं। बात करती है। टू गुड। अब तू वो मेरी एक्टिंग छोड़। मेरी माँ, मेरे को 500 रुपए दे दे प्लीज। लेकिन मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं, मेरी तो सैलरी आने में भी अभी 10 दिन बाकी है। अब तुम क्या करोगे सत्तू, अब तुम क्या करोगे? मैं कुएं में कूद कर अपनी जान दे दूंगा यार। आइडिया, वो एक फिल्म थी ना, एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म, वो जिसमें वो रिक्शा चलाता है, वो क्या नाम था उसका, क्या? 2 गज जमीन? 2 गज जमीन नहीं, 2 बीघा जमीन। हाँ हाँ वही। तुम रिक्शा चलाना, मैं पीछे बैठूंगी, फिर तुम मुझे ना ऑफिस भी छोड़ देना। मैं भीख मांग लूंगा लेकिन रिक्शा नहीं चलाऊंगा। दैट इज आल्सो अ गुड आइडिया। लेकिन तुम सबसे पहले किससे भीख मांगोगे? देखो मुझसे मत मांगना हाँ, क्योंकि मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। वो टाई तो बांध लो। कुछ नहीं कर सकते हो तुम अपने आप। अच्छा हुआ सुबह सुबह उस मनुज की शक्ल नहीं दिखाई दी। किस मनुज की बात कर रहे हो? अरे वही मनुज जिसकी शक्ल एक बार देख लो तो सारे दिन का सत्यानाश हो जाता है। उसका कोई नाम तो होगा। सुबह सुबह क्यों उस मनुज का नाम तुम मेरे मुंह से निकलवाना चाहती हो? पता तो चले तुम किसकी बात कर रहे हो। अरे अपने पड़ोस में एक ही तो मनुज है। लो आ गया मनुज। गुड मॉर्निंग शांता जी, गुड मॉर्निंग। फाइन थैंक यू। आप अभी तो यही है? क्यों, मुझे अभी यहाँ नहीं होना चाहिए था? क्या बात करते हैं? तुम्हारी ही बात कर रहे थे गिल्लू जी। अभी अभी तो सारा जमाना हमारी बात करेगा, चाय वाला, दूध वाला, अंडे वाला, बच्चा बच्चा, सभी की जुबान पर बस एक इनाम होगा, सतपाल सतपाल सतपाल। क्यों
सबका उधार लेकर भागने वाले हो क्या? अरे नहीं यार, तेरे इस पड़ोसी को एक गोल्डन चांस मिलने वाला है। तुम्हारी लॉटरी खुलने वाली है सतपाल। बस ऐसा ही कुछ चक्कर है। हाँ भाई, सारे दुनिया के करोड़ों की लॉटरियां खुल रही हैं, पता नहीं हमारा नंबर कब आएगा। अरे आप देखिए ना सही, एक बार मैं करोड़पति बन जाऊँ ना, आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। सच कह रहा सतपाल भाई, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है सतपाल, बहुत बड़ा है। आप कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी फ्रेश लग रही है, ऐसा लग रहा है कि बस चांद सुपर में उतर आया। चांद दिन में नहीं निकलता समझे? ओफो, मेरा मतलब है कि सूरज सुबह में उतर आया। अगर सूरज यहाँ होता ना तो तुम्हारा धुआं तक नजर नहीं आता। चल मतलब की बात कर, मतलब की। ओफो शांता जी, पर जब भी आपकी तारीफ करता हूँ ये समझते मुझे कोई मतलब है। क्या करूँ, थक गई हूँ मैं तो इनकी शक की बीमारी से। कोई काम से भी आया, इन्हें लगता है कोई मतलब से आया होगा। आप कितनी अच्छी है शांता जी। अभी मतलब की बात कर, मतलब की। अरे मुझे सिर्फ 500 रुपए उधार चाहिए यार। 500 रुपए उधार? वो दरवाजा देखा है? अरे मुझे दरवाजा नहीं चाहिए, 500 रुपए चाहिए यार। दे देना गिल्लू, मैं हीरो बनने जा रहा हूँ यार। फिर तुम्हारे पास हमारे लिए टाइम थोड़ा होगा। कमाल कर रही है शांता जी, चाहे मैं कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो जाऊं, कितना ही मशहूर क्यों ना हो जाऊं, कितना ही मसरूफ क्यों ना हो जाऊं, लेकिन आपसे मिलने के लिए मैं वक्त जरूर निकालूंगा। सारी दुनिया को बता दूंगा कि मैंने 500 रुपए से अपना करियर शुरू किया था, जो मैंने शांता जी से लिए थे। शांता जी कहोगे सर? अरे सुनो, दे देना 500 रुपए से। अरे वाह, कैसे दे दूं 500 रुपए? पहले के 200 रुपए तो मुझे लौटा है नहीं, और ऊपर से 500 रुपए उधार मांग रहा है। अरे यार उधार ही तो मांग रहा हूँ। अरे उधार किसे कहते हैं पता है? हाँ, जो पैसे लौटाए जाएं, और लौटाना क्या होता है वो भी समझाना पड़ेगा क्या? इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ 500 रुपए उधार चाहिए यार। दोना बेचारे को। अरे तुम चुप रहो, क्या यार मैं ख्याल बांटने के लिए बैठा हूँ? मुझे ऑफिस में देरी हो रही है, ऊपर से पैसे मांग रहा है। कहा था सुबह सुबह को मनुष्य की शक्ल नहीं देखनी चाहिए। वो बाप, कोई और दरवाजा ढूंढ लो, जाओ बाहर जाओ और कोई और दरवाजा ढूंढ लो। अरे कुछ पैसे तो देता जा भाई। ए भाई, ए भाई। महलों ये तख्तों ये ताजों के, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया। गाने सुन रहे हो सत्तू? पैसों का क्या बंदोबस्त हुआ? ये दुनिया बड़ी बेरहम है विमला, ये कभी किसी के काम नहीं आती, कभी किसी के आड़े वक्त में मदद नहीं करती। ये दुनिया पैसे मांगने वालों को बड़ी शक की नजर से देखती है। पर तुमने पैसे मांगे किससे? अपने पड़ोसी से। ओफो, पर उनसे पैसे उधार मांगने को तुमसे कहा किसने था? तो क्या नगद मांगता? ओफो सत्तू, तुम वो भूल गए, वो उधार प्रेम की कैंची है, और वो क्या आज नगद कल उधार। सत्तू तुम बहुत सीधे हो, तुम बहुत भोले हो सत्तू। आजकल सीधेपन का जमाना नहीं है, दुनिया को चालाक बनकर दिखाओ सत्तू, मेरी तरह। जागो सत्तू, जागो जागो जागो। ठीक है विमला, मैं ये शॉल उतार देता हूँ। तुमने ठीक कहा विमला, ये बेरहम दुनिया को मैं बेरहम बन के दिखा दूंगा। ये दुनिया को दिखा दूंगा कि सतपाल नाम है खौफ का, एक डर का हाथ। हेलो बलवंत क्लिनिक, हाँ जी दसो। अबे फुकनी गए ये दसो, दसो क्या लगाए रहे तू? तुसी दसोगे नहीं तो मनु किस तरह पता चलेगा तुसी कौन हो? हाँ जी दसो। हाँ तो ऐसा इज्जत से बोलना, मैं भाई बोल रहा हूँ भाई। ओ भाई जी। ये भाई जी क्या होता है, मैं भाई बोल रहा हूँ। हाँ भाई जी मतलब वीर जी, पैरी पेणा। अबे ये वीर जी बीच में कहाँ से आ गया भाई? साडे पिंड विच भाई नू वीर जी कहंदे ने, तुसी और मैं भाई भाई, तुसी भाई फोन वाले भूकनी वाले, मैं भाई बलवंत डॉक्टर भूकनी वाला। भाई भाई। मैं टेलीफोन वाला भाई नहीं हूँ, मैं सच्ची का भाई हूँ, समझा क्या? आखिरी टाइम समझा रहे लाऊं। आखिरी टाइम भाई जी, तुसी डेथ बेड तो बोल रहे हो? अबे डेथ तो तेरे सर पे मंडरा रहे ली है। भाई जी मेरे सर से पंखा मंडरा रहा है, वैसे वो भी खराब है। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम, कि तू मेरे से डर नहीं रह रहा है। भाई जी मैं आपसे क्यों डरूंगा, अच्छी दुनिया मेरे से डरती है। चल डर जा। ओ कर जा। अबे डर जा। कर जा। अबे डर। कर। डर। अंबार।
विमला विमला क्या हो गया विमला? शांता जी, मुझे बेचारे सतपाल ने आपके पास भेजा है। वो बेचारा बहुत घबराया हुआ है और उसकी वजह से मैं भी थोड़ी घबराई हुई हूँ। उसने पूछवाया है पैसों का कुछ बंदोबस्त हुआ? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं कर पाई। समझ में नहीं आ रहा विमला, कहाँ से लाऊं, कैसे लाऊं पैसे? यही तो बेचारे सतपाल ने मुझे आपको समझाने के लिए भेजा है। क्या क्या, जल्दी बताओ बेचारे सतपाल ने क्या समझाया तुम्हें? लेकिन पहले आप मुझे बताइए, बेचारे गिल्लू जी घर में तो नहीं है? नहीं नहीं, बेचारे गिल्लू जी तो अभी ऑफिस से वापस नहीं आए हैं। अच्छा, शांता जी, सतपाल ने मुझे बोला है कि आप जब बेचारे गिल्लू जी सो जाए ना, तब चुपचाप बेचारी अलमारी के पास जाइए, उसे खोलिए, फिर बेचारा सेफ खोलिए और फिर उसमें से बेचारे 500 रुपए निकाल लीजिए। मतलब अपने ही घर में चोरी करूं? शांता जी, बेचारे सतपाल ने कहा है कि बेचारे भले काम के लिए की गई बेचारी चोरी नहीं होती है। ये सतपाल का बच्चा विमला को भेजकर मेरे घर में शांता से डकैती करवा रहा है। बच्चू, विमला के कंधे पर बंदूक रखकर मुझे भी चलानी आती है। हेलो विमला, कैसी हो? गिल्लू जी, आपके होते हुए बेचारा सतपाल 500 रुपए के लिए बेचारा 600 बार परेशान हो चुका है। क्या बात कर रही हूँ, उसको अभी तक 500 रुपए नहीं मिले? नहीं। उसे जल्दी भेज, जल्दी भेज, जल्दी भेज। आपके पास? नहीं, मेरे पास नहीं, लालबाग भेज दे। लालबाग? हाँ, लालबाग में 1000 रुपए उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन लालबाग तो इतना बड़ा है गिल्लू जी, 1000 रुपए कहाँ खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे होंगे? लालबाग के अखाड़े में। अखाड़े में? हाँ भाई, अखाड़े में। क्या है कि बग्गा पहलवान ने वहाँ एक चैलेंज रखी हुई है कि जो कोई भी उसे हराएगा वो 100 रुपए के बदले में 1000 रुपए पाएगा। और सतपाल तो वैसे भी हट्टा कट्टा है, वो जरूर 100 के 1000 बनाकर ही ले आएगा। अरे वाह, मेरा सतपाल कुश्ती लड़ेगा, कितना मजा आएगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? अरे उसने मुझे फिर उठाया फिर पटका हवा में घुमाया। फिर क्या हुआ? फिर छोड़ दिया। वाओ, कितना मजा आया होगा देखने वालों को, काश मैं भी वहां होती। अरे विमला, मैं बग्गा पहलवान से पिटकर आ रहा हूँ और तू खुशी से उछल रही है। हाँ, बाहर के लोगों को हंसा सकते हो और मैं घर में नहीं हंस सकती, ये भी कोई बात हुई? और फिर रोने की क्या बात है, तुम कौन सा मर गए हो? कोई कसर रह गई है। आइए आइए, वेलकम वेलकम। देखिए देखिए, ये देखिए। क्या हुआ सतपाल? क्या हुआ सतपाल को? कुछ नहीं हुआ, बड़े मजे करके आया है। अच्छा? अरे आधा मरा हुआ लगता है, अरे ऐसे जीने से तो मरना बेहतर है। हाँ, मैं मदद करूं? अरे यहाँ मेरी जात में पड़ी और तुझे मजाक सूझ रही है। मजाक? गिल्लू जी, आपको मजाक सूझती है? हाँ, देखो देखो, मुझे मजाक बहुत अच्छी लगती है। आपको कोई चुटकुला आता है तो सुनाइए ना। हाँ, आता है ना, आता है ना, एक लाइन का चुटकुला है, एक लाइन का सुनाओ सुनाओ। सुन ले, क्या है कि एक हीरो विलन से पिट के आ गया। ठीक है भाई, उधर लेट जा और कपड़े उतार। ओ माय गॉड, कैसी बातें कर रहे हो, कपड़े उतार दो तुम्हारे सामने? ओ, इलाज कराना तो बेशर्म होके कराना पड़ेगा। ओ माय गॉड, अगर किसी ने मुझे देख लिया तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रह जाऊंगी। मेरा मतलब है रह जाऊंगा। ओ, मेरा मतलब है कि मुझे ये तो देख लेने दे कि तू गा है कि घी है कि खाली गे है। आ जा इधर, बचाओ, हेल्प, बचाओ। शोर मचाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वैसा डॉक्टर नहीं हूँ। आप वैसे डॉक्टर नहीं है तो फिर कैसे डॉक्टर है? मेरा मतलब है कि मुझे बीज की खटपट बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं बीज का इलाज भी नहीं करता, मैं इलाज करता हूँ बिल्कुल आर या पार। ओ माय गॉड, मुझे इस भरी जवानी में आर या पार पहुंचाना चाहते हो? मेरा वो मतलब नहीं था भाई। ओ माय गॉड, आप मुझे बार बार भाई भाई क्यों कर रहे हो? मुझे इस भाई नाम से बहुत डर लगता है। भाई से डरने की क्या बात है, और बीवी से डरते हैं लोग। आप भाई के नाम से नहीं डरते हैं? यू नो, आजकल जिसके घर में भाई का फोन आता है ना, उसे ठां से गोली लग जाती है। ठां से गोली लग जाती है? गोली लग जाती है? और मेरे पास भी गोली मारने वाले भाई का फोन आया था क्या?
ओ भाई मुझे बचा ले, 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 फिर फोन, और मुझे तो फोन की आवाज भी डरी हुई लग रही है, लगता है उसी भाई का फोन है। हेलो बलवंत क्लिनिक, हाँ जी दसो। भाई का फोन उठाने में इतनी देर? ओ भाई जी नमस्ते, सत श्री अकाल, पहरी पहला भाई जी, भाई जी मुझे गोली ने मारना, मैं डर गया। ये आया ना लाइन पे इज्जत से, अभी बोल तेरे को जिंदा रहने का शौक है के नहीं? ओ भाई जी मैं तो मरना कभी नहीं चाहता था। तो अब कान खोल के सुन ले, मैं तेरी क्लिनिक आ रहा हूँ। क्लिनिक आ रहे हो? आपकी तबीयत तो ठीक है। चुप है, तू 100-100 की 5 नोट टेलीफोन के नीचे रख डाल और दीवार को मुंडी करके खड़ा हो जा। 500 के 100 नोट? ओ ऐसी की लोड़ पे गई? ओ प्रजा जी की तबीयत तो ठीक है ना? मुझे जवाब देने की आदत नहीं है, समझा क्या? अभी मैं आ रहा हूँ, अभी तू कभी पलट के देखा ना तो गोली ठास मार दूंगा। आ गए भाई जी, भाई जी नमस्ते, सत श्री अकाल, मेरी बहन है। भाई जी क्लिनिक का पता पूछने कोई तकलीफ तो नहीं हुई? भाई जी मैं 100 नोट तो नहीं, 100-100 के 5 नोट जो है टेलीफोन के थैले रखते ने, तो टेलीफोन भी दरवाजे के कोल रखता है, तुहानू तकलीफ ना होए। है भाई जी गिन लेना, पूरे हैं, पूरे हैं ना भाई जी? भाई जी जवाब तो दो, भाई जी कुछ तो बोलो, भाई जी बोलो बोलो। भाई जी फोन आया, जरा चुक लेना। अच्छा भाई जी मैं चुक ला? नहीं मैनू मुड़न वास्ते मना किया, भाई जी कोई जरूरी होएगा, एक मिनट भाई जी। ओए 500 रुपए कोई गलत पार्टी तो नहीं ला गई? कौन हो तुम? पोस्टमैन। हरकार है ना, पैगाम लाए हो? झुनझुन वाला की चिट्ठी, ये चिट्ठी लाने में इतनी देर, तुम्हें मालूम है सतपाल जी इस चिट्ठी को लेने कहाँ गए? कहाँ गए? मुंबई, झुनझुन वाला के घर। अब मुझे ये चिट्ठी उनके लिए मुंबई भेजनी पड़ेगी। सतपाल जी आगे आगे, चिट्ठी पीछे पीछे, सब तुम्हारी वजह से। चलो जाओ अब यहाँ से, जाओ। आइडिया, मैं ये चिट्ठी गिल्लू जी के घर से सतपाल को मुंबई फैक्स कर देती हूँ। गिल्लू जी को इसी बहाने गुड न्यूज भी दे दूंगी और अपने व्यूज भी दे दूंगी। और यार कितने दिन हो गए, और जब से 500 रुपए लेके गया है सतपाल ने शक्ल ही नहीं दिखाई। चला गया, लगता है आ गया। आज की खुशखबरी, आज की खुशखबरी, आज की खुशखबरी, मेरा सतपाल झुनझुनवाला की फिल्म में हीरो बन गया है। क्या हमारा सतपाल हीरो? हमारा सतपाल? ये कैसे हो सकता है? ओ थैंक्स गॉड, ओ मेरे 500 रुपए काम आ गए, सतपाल हीरो बन गया। मुझे तो पहले से ही यकीन था। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है। हो जाएगा, हो जाएगा, पहले मुझे भी नहीं था। ये देखिए चिट्ठी। साल बाद के चक्कर में 100 साल पहले ही सबको पागल बना दिया है। अरे शूटिंग की डेट देखो, शूटिंग की डेट 2097। 2097? बेचारा सतपाल 100 साल बाद का हीरो।
सब गोलमाल है, गोलमाल माल गोल गोल।